अहमद जो कि एक 26 साल का नौजवान लड़का है अपने अम्मी और अब्बू के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। वो हमेशा से मेहनती और एक जिम्मेदार बेटा था, लेकिन कुछ महीनों से अहमद खामोश और अलग थलग रहने लगा। रातों को सोता नहीं था और ऐसा लगता था कि उसे कोई खुशी या गम ही महसूस नहीं होता। घर वालों ने समझा कि शायद ये सब काम के दबाव की वजह से है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ अहमद का रवैया बद से बदतर होता गया। वो अकेले में खुद से बातें करता, अपने घर वालों और दोस्तों को अपना दुश्मन कहता। काम पे तो अहमद ने जाना वैसे ही छोड़ दिया था, लेकिन अब वो अपनी साफ सफाई का ख्याल भी नहीं रख पाता था। ये सब देखकर अहमद के अम्मी और अब्बू काफी परेशान हो गए। आसपास के लोग अहमद को पागल और साइको बोलते और उसका मजाक उड़ाते। कुछ तो ये भी कहते कि इस पर जिन चल गया है या कोई साया है। ये सूरत हाल देख कर अहमद के घर वालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो घर से भाग ना जाए और किसी को या खुद को नुकसान ना पहुंचाए। अहमद की बिगड़ती तबीयत देखकर उसकी अम्मी उसे करीबी क्लिनिक में ले गई और डॉक्टर को सारी सूरत हाल बताई। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अहमद ज़हनी तौर पर बीमार है और इसका इलाज माहिर नफ्सियात से करवाना नहायत ज़रूरी है। ये सुनकर अहमद के घर वाले उसे फौरन माहिर नफ्सियात के पास ले गए, जिसने उन्हें बताया कि अहमद को यहाँ लाकर उन्होंने बरवक्त फैसला किया है, वरना अलामात की शिद्दत में इजाफा हो जाता। मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों में से एक बीमारी जिसका नाम स्किज़ोफ्रेनिया है, ये एक ऐसी ज़हनी बीमारी है जो कि सोच, जज्बात और रवैये को मुतासिर करती है। ये ज़हनी मर्ज़ की सबसे आम किस्म है जो कि हर 300 में से एक फर्द को मुतासिर करती है, लेकिन लोग इस बीमारी को समझ नहीं पाते और इसे पागलपन कहकर इलाज नहीं करवाते और बाज़ दफ़ा मरीज को मार कर किसी कमरे में रस्सी या जंजीरों से बांध कर रख देते हैं। तहकीक के मुताबिक मुख्तलिफ लोगों में इस बीमारी की मुख्तलिफ वजूहात नजर आती हैं, जैसे कि कीमियाई मादा जिसका नाम डोपामीन है उसमें तवाजुन ना रहने से ये बीमारी हो सकती है। अगर खानदान में ये बीमारी पाई जाए तो बच्चों में मुंतकिल होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। बास औकात किसी सदमे, परेशानी या लंबे अरसे से शदीद कशीदगी का होना भी इस बीमारी की वजह बन सकता है। अक्सर औकात स्किज़ोफ्रेनिया मंशियात के इस्तेमाल से भी हो जाता है। इस तरह की बीमारी में अमूमन मरीजों में मनरजा ज़ेल अलामात ज़ाहिर होते हैं, हेलुसिनेशंस, जिसमें कानों में आवाज़ें सुनाई देना, लोग या शक्लें नज़र आना जो कि इर्द गिर्द के लोगों को सुनाई या दिखाई ना दें, डिल्यूजन, वो ख्यालात होते हैं जिन पर मरीजों का मुकम्मल यकीन होता है लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं होती, जैसे कि मरीजों को लगता है कि दोस्त या घर वाले इनके दुश्मन हैं और इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या रेडियो, टीवी, अखबारात इनके बारे में बात कर रहे हैं। ये सब सुनकर अहमद की अम्मी माहिर नफ्सियात से पूछती हैं कि क्या ये कभी ठीक होगा और इलाज कब तक जारी रहेगा। माहिर नफ्सियात इन्हें आगाह करती हैं कि अगर मरीज वक्त पर मुकम्मल दवाएं ले तो इनकी सेहत में बेहतरी फौरी तौर पर नजर आने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने काम पर जाना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि घर वाले मरीज के साथ नरमी से पेश आएं और माहिर नफ्सियात के मशवरे के बगैर दवाई खुद से कम या बंद ना करें। बाकायदगी से दवाएं लेने के 6 महीने बाद अहमद फिर से काम पर जाना शुरू कर देता है और घर के कामों में भी हाथ बटाता है। अहमद अभी खुद अपना ख्याल रखता है और अपनी दवाइयाँ भी वक्त पर लेता है। याद रखें, मुकम्मल सेहत महज किसी बीमारी का ना होना ही नहीं बल्कि इंसान की जिस्मानी तंदरुस्ती के साथ साथ ज़हनी हमाहंगी भी है, लिहाजा ज़हनी सेहत को तरजीह देना उतना ही ज़रूरी है जितना जिस्मानी सेहत को।